हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप सभी मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर फॉक्सी प्रॉक्सी का यूज़ करके किस तरीके से अपने ब्राउज़र की प्रॉक्सी को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपने मोज़िला फायरफॉक्स को ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है एडवांस पे। इसके लिए आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Shift+A। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस पे जाना है और फाइंड मोर एडवांस पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एक वेबसाइट ओपन होगी। ये मोज़िला फायरफॉक्स का स्टोर बोल सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सर्च मेन्यू में टाइप करना है फॉक्सी प्रॉक्सी। आप नेम याद रखिए फ्रेंड, क्योंकि सिमिलर नेम से बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, कहीं आप गलत एप्लीकेशन डाउनलोड ना कर लें। इसको क्लिक करने के बाद आप सभी के पास पहले नंबर पर आएगी फॉक्सी प्रॉक्सी स्टैंडर्ड। इसको आपको डाउनलोड करना है। देखिए, सिमिलर नेम से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टू फायरफॉक्स। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके ब्राउज़र में ऐड हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, जब तक ये हो रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। आप सभी अपने दूसरे ब्राउज़र में गूगल को ओपन करिए। हम इसे पहले ऐड कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद आप सभी अपने गूगल को ओपन करिए किसी दूसरे ब्राउज़र में और यहाँ पे टाइप करिए फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। आप यहाँ जैसे ही टाइप करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स जो है आप सभी के सामने देखने को मिलेंगे। आप सभी को एक वेबसाइट को ओपन करना है। मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। आप सभी अपने अकॉर्डिंग किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री में जो है प्रॉक्सी लिस्ट जो है मिल जाएंगी। मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं जाता हूँ अपने मोज़िला फायरफॉक्स में। अब मुझे जो मैंने एक्सटेंशन को डाउनलोड किया है, मुझे इसे ओपन करना है। यहाँ पर मैं एक्सटेंशन में जाता हूँ और इसको ऑप्शन पर जाता हूँ। ये मेरा फॉक्सी प्रॉक्सी ओपन हो गया है। यहाँ पर मुझे क्लिक करना है ऐड पर। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे से कुछ डिटेल्स मांग रहा है, जैसे प्रॉक्सी टाइप, टाइटल, आईपी पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, प्रॉक्सी टाइप। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, जो हमने दूसरे ब्राउज़र में इस वेबसाइट को ओपन किया था फ्री प्रॉक्सी लिस्ट को, इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉक्सी के आईपी एड्रेस, पोर्ट, कंट्री, उसकी स्पीड, प्रॉक्सी टाइप, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम एक प्रॉक्सी जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉक्सी टाइप शॉक्स S4, इसको हम यूज़ करते हैं। और ये कहाँ की है, बांग्लादेश की। तो ठीक है, सबसे पहले आपको इसका आईपी एड्रेस कॉपी करना है। आईपी एड्रेस कॉपी करने के बाद आप सभी को यहाँ पे जाना है अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे आईपी एड्रेस में इसे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे प्रॉक्सी टाइप Shox 4 करना है, क्योंकि वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स प्रॉक्सी टाइप Shox 4 है। उसके बाद इसका पोर्ट नंबर आपको लेना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शनल है। यूज़र नेम पासवर्ड, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप पेड यूज़ कर रहे हैं तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, वरना फ्री में कोई भी यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइटल मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ बांग्ला। ठीक है फ्रेंड्स, बांग्ला मैंने टाइप किया। और इस प्रॉक्सी का कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड दे देता हूँ, ऑरेंज टाइप का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे को उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये देखिए मेरी प्रॉक्सी यहाँ पे आ गई है बांग्ला से नाम पे। इसका आईपी एड्रेस ये रहा और ये है। अब मुझे इसको ऑन करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा यूज़ प्रॉक्सी बांग्ला फॉर ऑल URLs। इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का ये हो गया है, तो इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं। दूसरे टैब में आपको गूगल ओपन करना है या किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गूगल ओपन किया। और जब तक आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्पीड देख के जो है प्रॉक्सी की अपनी ऐड करिएगा, क्योंकि स्पीड भी बहुत ज़रूरी होती है। उसी हिसाब से स्पीड आती है और आपके इंटरनेट की स्पीड भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर गूगल ओपन हो गया है और ये बांग्लादेश का गूगल ओपन हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्ला में आ रहा है लिखा हुआ। तो देखा आपने फ्रेंड्स, हम किस तरीके से किसी भी कंट्री की प्रॉक्सी हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही सेम एक्सटेंशन जो है आप गूगल क्रोम के अंदर भी, यहाँ के स्टोर में भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा।
और इसी एक्सटेंशन को आप गूगल क्रोम से क्रोमियम प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का जो क्रोमियम प्रोजेक्ट वाला ब्राउज़र है देव या कैन उसमें भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सेवाओं का फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स हमने किस तरीके से इस प्रॉक्सी का यूज़ करके बांग्लादेश की प्रॉक्सी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। आप सभी इस तरीके से अपने सिस्टम में प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूँगा। ये वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।